इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 14 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स सितंबर मंथ की, और इसमें आपको जो सेल्स फिगर मिलेगा कंपनी वाइज उसको सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 14 पोजीशन से। तो नंबर 14 पोजीशन पर हमेशा की तरह आई है जीप इंडिया विथ 481 यूनिट्स। नंबर 13 पोजीशन पर आया है सीट्रॉन इंडिया विथ 748 यूनिट्स। सीट्रॉन के पास अब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, फिर भी सेल्स फिगर उतना ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 12 पोजीशन की, जहां पर आई है निसान इंडिया विथ 2454 यूनिट्स, और ये पूरी की पूरी सेल्स फिगर निसान मैग्नाइट की है। तो सिर्फ एक गाड़ी के बलबूते पर निसान इंडियन मार्केट में टिक नहीं सकती, निसान के पोर्टफोलियो में और भी कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करने की ज़रूरत है, तभी ये इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पर कितना ही कस्टमर निसान अट्रैक्ट कर पाएगी इंडियन मार्केट में। अब चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं रेनॉल्ट इंडिया की, जो कि है नंबर 11 पोजीशन पर, और रेनॉल्ट इंडिया ने बेच डाली है 3369 यूनिट्स, मतलब 3369 यूनिट्स। अगर पिछले साल की सितंबर मंथ से इसको कंपेयर करें तो सितंबर मंथ में रेनॉल्ट ने बेची थी 7623 यूनिट्स, मतलब 55.8% की सेल्स में गिरावट देखने में मिली है रेनॉल्ट इंडिया में। तो रेनॉल्ट को भी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की ज़रूरत है, तभी ये इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो इसका सेल्स फिगर लगभग आधी हो चुकी है और भी कम हो जाएगी अगले आने वाले सालों में। अब बात करते हैं टॉप 10 पोजीशन की, जहां पर आई है वोक्सवैगन इंडिया विथ 3568 यूनिट। अगर पिछले साल की सेल्स से तुलना करें तो पिछले साल वोक्सवैगन ने बेची थी 4103 यूनिट्स, मतलब 13% की सेल्स में गिरावट देखने में मिली है वोक्सवैगन ग्रुप की, और इसका सिर्फ एक ही रीजन है आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। वोक्सवैगन को जरूरत है कम से कम बजट में आफ्टर सेल सर्विस देना ताकि इनकी गाड़ियाँ बिक सके, क्योंकि 5-स्टार रेटेड हर प्रोडक्ट है इनकी, सिर्फ आफ्टर सेल्स अच्छी नहीं है इसीलिए गाड़ियों की गिनती कम हो रही है। अब नंबर 9 पोजीशन पर आया है वोक्सवैगन के ही ब्रदर कंपनी, जो कि है स्कोडा, और स्कोडा ने बेची है 4032 यूनिट्स। पिछले साल की सेल्स की तुलना करें तो पिछले साल सितंबर मंथ में स्कोडा ने बेची थी 3543 यूनिट्स, मतलब 13.8% की ग्रोथ देखने में मिली है स्कोडा इंडिया ग्रुप में, और इसका रीजन यही है स्कोडा की जो आफ्टर सेल सर्विस है वह वोक्सवैगन से बेहतर है, इसीलिए इसकी सेल्स वोक्सवैगन से बेहतर है। अब चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नंबर 8 पोजीशन की, जहां पर आई है एमजी इंडिया विथ 5003 यूनिट। अगर पिछले साल सितंबर मंथ से तुलना करें तो सितंबर मंथ में एमजी ने बेची थी 3808 यूनिट, मतलब 31.4% सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने में मिला है एमजी में, और इसका सिर्फ एक ही कारण है एमजी की हेक्टर एसयूवी, जिसका वजह से काफ़ी अच्छी सेल्स फिगर एमजी की हुई है सितंबर मंथ में। अब चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नंबर 7 पोजीशन की, और वहाँ पर आई है होंडा इंडिया विथ 9861 यूनिट, और लगभग 10,000 यूनिट बिकने का सिर्फ एक ही कारण है होंडा एलिवेट एसयूवी, जिसने होंडा को इंडियन मार्केट में फिर से ला खड़ा कर दिया है, और काफ़ी अच्छी गिनती में ये गाड़ी बिकी भी है। जब टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट आएगी तब आप लोगों को देखने में मिल ही जाएगा होंडा ने एलिवेट को कितना ज़्यादा बेचा है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में ये गाड़ी बिकी है इसलिए आपको इतना ज़्यादा सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने में मिल रहा है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो पिछले साल सितंबर मंथ में होंडा ने बेची थी 8714 यूनिट्स, मतलब 13.2% की अच्छी ग्रोथ होंडा मोटर्स को देखने में मिला है इंडियन कार मार्केट में। आप चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नंबर 6 पोजीशन की, जहां पर आई है किया इंडिया विथ 20022 यूनिट्स। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल सितंबर मंथ में किया ने बेची थी 25,857 यूनिट, मतलब 22.6% की सेल्स में गिरावट देखने में मिली है किया इंडिया को। जो सेल्टोस लॉन्च हुई है सेल्टोस के सेल्स फिगर भी यहां पर शामिल है, लेकिन सोनेट का अपडेटेड मॉडल लॉन्च होना बाकी है, वो लॉन्च हो जाने के बाद ही हम लोगों को पता चल पाएगा किया की सेल्स फिगर और ज़्यादा इम्प्रूव होती है या फिर यहीं पर स्टॉप हो जाती है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ पोजीशन की, जहां पर आई है टोयोटा इंडिया। और टोयोटा इंडिया ने बेच डाली है सितंबर मंथ में 22,168 यूनिट। पिछले साल की सितंबर मंथ से अगर तुलना करें तो वहां पर बेची थी 15,378 यूनिट्स, मतलब 44.2% की ह्यूज ग्रोथ देखने में मिला है 2023 में सितंबर मंथ में टोयोटा इंडिया को। और वजह है मारुति के प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे कि टोयोटा रोमियन, टोयोटा ग्लांजा, टोयोटा हाई राइडर, ये सभी गाड़ियां काफी अच्छी सेल्स दिलाई है टोयोटा को इंडियन मार्केट में। अब चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नंबर फोर्थ पोजीशन की, जहां पर आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स विथ 41,267 यूनिट। पिछले साल महिंद्रा ने सितंबर मंथ में बेची थी 34,238 यूनिट, मतलब 20.5% की अच्छी खासी ग्रोथ महिंद्रा को मिला है सितंबर 23 में। तो महिंद्रा ने काफी अच्छी सेल्स फिगर कायम कर लिया है, पहली बार कंपनी ने 40,000 प्लस फिगर में गाड़ियों को बेचा है। अब चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नंबर थर्ड पोजीशन की, जहां पर आई है टाटा मोटर्स विथ 44,810 यूनिट्स। इसको अगर पिछले साल की सितंबर मंथ से अगर कंपेयर करें तो सितंबर मंथ में बेची थी टाटा ने 47,655 यूनिट, मतलब 6% की सेल्स में गिरावट देखने में मिली है टाटा मोटर्स में। आप लोग देख ही सकते हो अगर टाटा की सेल्स फिगर इम्प्रूव नहीं होती है तो महिंद्रा इसको इजीली बीट कर देगी। महिंद्रा भी अब टाटा के करीब पहुंच चुकी है, तो अब देखना यही बनता है टाटा मोटर्स ने जो नेक्सॉन को लॉन्च किया है वो कितना इम्प्रूवमेंट दिलाएगी सेल्स फिगर में टाटा मोटर्स को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर टू पोजीशन की, और यहाँ पर आई है हुंडई इंडिया विथ 54,241 यूनिट्स। पिछले साल से सेल्स की तुलना करें तो पिछले साल बेची थी हुंडई ने 49,700 यूनिट्स, मतलब 9.1% की ग्रोथ हुंडई इंडिया को देखने में मिला है। और उसका रीजन है हुंडई क्रेटा और हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई हुंडई एक्स्टर, जो पांच के तरह ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है इंडियन मार्केट में और काफी सारे कस्टमर इस गाड़ी के पीछे पागल है, और इसीलिए आपको सेल्स फिगर में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने में मिला है हुंडई इंडिया की। अब नंबर वन पोजीशन पर हमेशा की तरह मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने बेच डाली है सितंबर मंथ में 1,50,812 यूनिट्स। अगर पिछले साल से इसकी सेल्स की तुलना करें तो 1,48,380 यूनिट्स इन्होंने बेची थी, मतलब 1.6% की मामूली सी ग्रोथ मारुति सुजुकी को भी मिला है सितंबर मंथ में। तो दोस्तों ये थे टॉप 14 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स सितंबर मंथ की। कमेंट करके आप लोग बता सकते हो अगर टाटा की सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने में नहीं मिलता तो महिंद्रा इसको बीट कर पाएगी या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।